फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शाम के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिला था। अभी 4:30 बज रहा है, इसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं कैसे करके मेरा हाफ डे मैं स्पेंड करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आई हूँ दादर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का कुछ काम था तो उनके पीछे पीछे मैं आ गई हूँ, क्योंकि मेरे कुछ मतलब था इसलिए मैं आई हूँ। क्योंकि सिद्धिविनायक का दर्शन करना था, दर्शन तो एक बहाना था क्योंकि वहाँ पे बड़ा पाव खाना था। सिद्धिविनायक के सामने कीर्ति कॉलेज का बड़ा पाव आता है, वहाँ पे वो अशोक बड़ा पाव करके फेमस है, वहाँ पे उसका बड़ा पाव मुझे बहुत पसंद है। काफी महीना हो गया नहीं खाया, तो इस बहाने मैं सोचा चलो बड़ा पाव खा लेंगे, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और बड़ा पाव भी मेरा खाना हो जाएगा। और जो बॉम्बे में रहते हैं उनको तो पता ही है, और जिनको पता नहीं है उनको पता चल जाएगा, और जिनको पता है उनका मुंह में से तो पानी निकलेगा ही निकलेगा। तो मैं दिखाऊंगी कहाँ पे है वो बड़ा पाव। और ये है शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क आपको काफी दूसरे टाइम पे लेके आऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पेड़ है यहाँ पे, बहुत सुकून लगता है। शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे काफी सारे लोग वॉकिंग करते हैं। अभी हम आ चुके हैं वहाँ पे अशोक बड़ा पाव कीर्ति कॉलेज, देखिए रस देखिए। बड़ा पाव आ चुका है, और इसका फेमस इसलिए है क्योंकि इस पे जो बड़ा पाव का होता है वो देते हैं, और ये बहुत टेस्टी होता है। मुंह में पानी आ गया आपका? अभी हम बड़ा पाव खाते खाते यहाँ पे सीलिंग तक आ गए, जस्ट उसके सामने ही है जो प्लेन है उनके सामने ही है। और ये है सीलिंग, देखिए ये है सीलिंग। आज वेदर अच्छा नहीं है इसलिए नहीं दिख रहे थे। और वो है बैंड स्टैंड, जो बड़ा वाला बिल्डिंग दिख रहा है वो बैंड स्टैंड है उस तरफ, और इस तरफ है वर्ली। आज वेदर बहुत क्लाउडी है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा, और सनसेट हो रहा है। अब मेरा बड़ा पाव खत्म भी हो गया। बस देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी सब्जी मिल रही है, गोभी पत्ते के अंदर, टोकरी के अंदर। यहाँ पे बड़ा पाव हो रहा है, देखिए कितनी सब्जी, ये मटर, बाल पापड़ी। अभी हम आए हैं सिद्धिविनायक, यहाँ पे वीडियो मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि अलाउ नहीं है। और पीछे में जो मंदिर आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट में, वही है सिद्धिविनायक। अभी देखिए अंधेरा हो चुका है और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाके डिनर बनाना है। और ये एरिया है शिवाजी पार्क, मुझे ये एरिया बहुत पसंद है। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ, अभी डिनर बनाना है और 8 बज गया है
क्योंकि आते आते एक घंटा लग गया, जो 10 मिनट का रास्ता है वो इतना ट्रैफिक था, तो इसलिए लेट हो गया। तो मैंने अभी फ्रेश नहीं हुई, सिर्फ हाथ धो के मैं खाना पहले चढ़ाऊंगी, उसके बाद कुछ और करना है। और मैं आज राजमा बना रही हूँ और पनीर पकौड़ा बनाऊंगी, क्योंकि राजमा के साथ मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर को पनीर पकौड़ा चाहिए, क्योंकि मुझे राजमा के साथ चावल अच्छा लगता है, लेकिन इन दोनों को तो मतलब पनीर पकौड़ा उसके साथ चाहिए, तो वही बनाना है। तो राजमा पहले चढ़ा दूँ, क्योंकि राजमा होने में उसको कुक करने में टाइम लगता है। तो मैं सिर्फ हनियन को स्लाइस करूँगी, और ये मेरी स्टाइल का राजमा है, थोड़ा सा अलग होगा शायद, जो नॉर्मल राजमा बनाते हैं उस टाइप का नहीं है, और ये मुझे इजी लगता है और काफी टेस्टी होता है ये। और मैंने यहाँ पे अनियन और थोड़ा सा जिंजर को चॉप जैसा लंबा लंबा जूलियन जैसा कर लिया। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ, क्योंकि राजमा के लिए मस्टर्ड ऑयल ज्यादा टेस्टी होता है। और उसमें डालूंगी दो छोटी चम्मच जीरा और इतनी सी दालचीनी, दो टुकड़ा दालचीनी का, जीरा और दालचीनी जब तक हो जाएगा, मैं मिर्ची को हरी मिर्च हल्का सा चीरा लगा के डालूंगी, क्योंकि वो फट जाता नहीं तो। और अभी मैं जिंजर को भी डाल दूंगी, जिंजर जूलियन। और अनियन स्लाइस मैंने दो लिया है, थोड़ा सा बड़ा साइज का, मीडियम साइज का। अभी इसको हल्का सा फ्राई करना है। और अभी मैं चाय चढ़ाऊंगी, क्योंकि शाम से चाय नहीं पिया और मैं तो सुबह भी नहीं चाय पीती हूँ, तो मैं एक ही बार चाय पीती हूँ, और मेरा हस्बैंड कब से बोले चाय चाय चाय। अभी देखिए हल्का सा भून चुका है, हल्का ब्राउन करना है, और उसके बाद मैंने राजमा दे दूंगी। और मैं राजमा भिगो के रखी थी और धो भी लिया उसके बाद। अभी मैं धनिया पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा करके डालना है। और थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची मैं नहीं डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाला था। और अभी ये कुक होगा, सॉल्ट भी डाल दूंगी, और जब कुक हो जाएगा उसके बाद काला नमक और आमचूर और धनिया पत्ता डालूंगी, इसीलिए सॉल्ट पहले से थोड़ा सा कम डालिएगा, और इसके बाद इसमें पानी डालना है, थोड़ा सा ज्यादा करके पानी डालिएगा, क्योंकि ये कुक होने में 30-40 मिनट्स लगेगा, क्योंकि मैं स्लो हीट में इसको कुक करूंगी।
अभी एक सीटी के बाद मैंने गैस को एकदम लो हीट में कर दिया, लो फ्लेम में, और उसके बाद ये 30-40 मिनट्स होगा। अभी देखिए मैं चाय पी रही हूँ और एक अजीब टाइप का बिस्किट है। शांतु ने जब कलकत्ता गए थे अभी कुछ दिन पहले तो ये लेके आए। ये बंगाली स्पेशल है, जो बंगाली है उनको पता रहेगा। ये टोस्ट टाइप का होता है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का होता है और खाने में टेस्ट भी टोस्ट से अलग है। और ये मैं चाय में डुबो के खाती हूँ। देखिए कितना क्रंची होता है ये। इसको बंगाली में लेडुआ बोलते हैं, जो लोग बंगाली है उनको पता चल गया होगा। और मेरा ये बहुत फेवरेट है, तो मैंने बोला था 3-4 पैकेट लाओ मेरे लिए। लेकिन है मैदा, लेकिन थोड़ा सा तो हो सकता है ना कभी कभार। अभी मेरा राजमा बॉयल हो रहा है और तब तक मैं पनीर पकोड़ा का जो बैटर है वो बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो भीगने से वो अच्छा होता है। तो मैं उसके लिए बेसन लूंगी। और मेरा बेसन भी देखिए कितने से है, बोलो जी। और उसमें डालूंगी अजवाइन, इतनी सी अजवाइन को थोड़ा फ्रेश करके हाथ से डालिएगा तब उसका खुशबू अच्छा आता है। और उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। अब अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो तो ज़्यादा डालिए, मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक, इतना सा मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, थोड़ा सा है फिर इसमें इसमें मैं पानी डाल के। और देखिए मैंने बैटर इसी हिसाब से बनाया है, इसमें ज़्यादा पानी अभी तक नहीं डाला है। अभी इसको मैं 15-20 मिनट जितने देर हो सके उसको अगर रेस्ट करने के लिए आप दोगे तो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि मैं बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ। हाफ एन आवर अगर रहेगा तो पनीर जो पकौड़ा होता है वो बहुत क्रिस्पी होता है, बहुत टेस्टी भी होता है। और ये शांतनु का स्पेशल है तो मैं नहीं बनाती नॉर्मली, ये पनीर पकौड़ा शांतनु ही बनाते हैं, तो आज उनको टाइम नहीं मिला तो मैं ही बना लेती हूँ। अभी देखिए मेरा राजमा बन चुका है। अभी इसमें मैं धनिया पत्ता, चॉप धनिया पत्ता थोड़ा सा ज्यादा करके, धनिया पत्ता अच्छा लगता है, और ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि पहले मैंने नमक हम डाला था। ब्लैक सॉल्ट की खुशबू से, और ये आमचूर पाउडर डालूंगी। आमचूर पाउडर 1-2 टीस्पून, जैसा खट्टा आप खाना चाहते हो। ये थोड़ा सा खट्टा होता है, मैं टोमेटो नहीं डालती उसमें। और इससे मैं निकाल के अलग एक जगह स्टील का जगह पे कर लूंगी, क्योंकि एल्युमिनियम है तो उसमें मैं खट्टा नहीं बनाती। नॉर्मली प्रेशर कुकर एल्युमिनियम का है तो मुझे चेंज करना है, स्टील का ही लेना है। एल्युमिनियम में खट्टा थोड़ा अजीब टाइप का टेस्ट हो जाता है, मैं नहीं बनाती तो इसलिए मैं अलग से उसको अलग एक बर्तन में डाल के इसको मैं अभी 5-7 मिनट उसको धीमी आंच पे धीरे धीरे उसको बॉईल करूंगी, तभी वो उसका टेस्ट आएगा। और ये जो थोड़ा सा पतला है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। अभी देखिए मेरा राजमा बन चुका है। अभी इसमें मैं धनिया पत्ता, चॉप्ड धनिया पत्ता
थोड़ा सा ज्यादा करके और ब्लैक सॉस, क्योंकि पहले मैंने नमक हम डाला था, ब्लैक सॉस की खुशबू से। और ये आमचूर पाउडर डालूंगी। आमचूर पाउडर 1-2 टीस्पून, जैसा खट्टा आप खाना चाहते हो। ये थोड़ा सा खट्टा होता है, मैं टोमेटो नहीं डालती उसमें। और इससे मैं निकाल के अलग एक जगह स्टील का जगह पे कर लूंगी, क्योंकि एल्युमिनियम है तो उसमें मैं खट्टा नहीं बनाती। नॉर्मली प्रेशर कुकर एल्युमिनियम का है तो मुझे चेंज करना है, स्टील का ही लेना है। एल्युमिनियम में खट्टा चीज वो थोड़ा अजीब टाइप का टेस्ट हो जाता है, मैं नहीं बनाती तो इसलिए मैं अलग से उसको अलग एक बर्तन में डाल के इसको मैं अभी 5-7 मिनट उसको धीमी आंच पे धीरे धीरे उसको बॉयल करूंगी, तभी वो उसका टेस्ट आएगा। और ये जो थोड़ा सा पतला है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और तब तक मैंने जाने से पहले आटा गूंथ के रखा था और पनीर मैं सुबह में बना लिया था, और उसका छोटा छोटा मैंने लंबा लंबा काट के उसको फ्रिज में मैंने रख दिया था, तभी निकाला मैंने। अभी देखिए मेरा राजमा बन चुका है और इसको गैस में ऑफ कर लेती हूँ, और अभी मैं पराठा बनाऊंगी। अभी देखिए मेरा ये बैटर हाफ एन आवर रेस्ट हो चुका है, और इसमें मैं चॉप कोरिएंडर डालूंगी, धनिया पत्ता और थोड़ा सा पानी डालूंगी, सॉल्ट मैंने पहले से नहीं डाला है। अभी मेरा तेल गरम हो चुका है, मैं सनफ्लावर ऑयल में इसको फ्राई करूंगी। ये राजमा और पनीर पकौड़ा नॉर्मली मैं रात को नहीं खाती हूँ, लेकिन आज कुछ सब्जी नहीं था, मेरा सब्जी वाला बहुत लेट करके सामान लेके गया और बाहर भी जाना था, ये सबसे जल्दी में होता है। ये चावल के साथ ही अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने चावल थोड़ा सा रख दिया। अभी हम खाना खाने बैठे हैं और पनीर पकौड़े के ऊपर आप चाट मसाला जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। और जो राजमा बनाया है उसके अंदर भी जो ब्लैक सॉल्ट मैंने डाला है और आमचूर डाला है वो जरूर डालिएगा, नहीं तो वो खुशबू नहीं आएगा। और मेरी डॉटर देखिए क्या खा रही है, वड़ा पाव। मैं वड़ा पाव खाई, वो तो स्कूल में थी तो वो तो मुझे पागल कर देती, इसलिए मुझे एक वड़ा पाव लाना पड़ा। और ये देखिए कितना शॉपिंग हो चुका है, और ये सिर्फ वड़ा पाव और पनीर पकौड़ा ही खाएगी आज, और मैं फिर पराठा पकौड़ा खाऊंगी।
देखिए कितना क्रिस्पी बना है बिना बेकिंग सोडा के। इसको भिगो के रखेंगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है और क्रिस्पी बनता है। लेकिन ज्यादा डिफरेंट खाना भी अच्छा नहीं। मैं खा ली थोड़ा और मैं थोड़ा सा चावल रख दी थी क्योंकि राजमा चावल ही अच्छा लगते हैं, पराठा इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि शांतनु पराठा खाएंगे और रात को चावल नहीं खाते, तो मैं थोड़ा सा सुबह का चावल बचा के रख दिया। और मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये दो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वो जो बेल बटन आता है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं ये कोशिश करूँगी अभी कल ही मैं पोस्ट कर पाऊँ। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।